अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जिन्हें एलजी भी कहा जाता है, उन्हें डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में सबसे पहली कैटेगरी यूग्लिनॉइड्स की डाली गई है, बट असल में हम देखें तो यूग्लिनॉइड्स प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में नहीं आते, बिकॉज दे शो सिमिलैरिटीज विद बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दे आर लाइक अ बॉर्डर लाइन बिटवीन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। यानी ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के जैसे भी हैं और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के जैसे भी हैं, सो ये एक सेपरेट ही कैटेगरी है। बट क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो आउटडेटेड होता है, सो हमारे कोर्स के मुताबिक ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में इन्हें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट कि यूग्लिनॉइड्स क्या हैं, इनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। यूग्लिनॉइड्स आर द यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, ये सिंगल सेल से मिलकर बने हुए प्रोटिस्ट हैं। शोज सिमिलैरिटीज विद बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये बोथ प्लांट और एनिमल के जैसे हैं। प्लांट के जैसे कैसे, ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, और एनिमल के जैसे ये मूव कर सकते हैं, और ये हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। अगर लाइट नहीं मिलती तो ये अपनी खुराक खाना शुरू कर देते हैं। सो इनके लिए एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वर्ड यूज़ किया जाता है, मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉफिक का क्या मतलब है, दे आर ऑटोट्रॉफिक व्हेन लाइट इज़ अवेलेबल एंड हेटरोट्रॉफिक व्हेन लाइट इज़ एब्सेंट। यानी दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाए जाते हैं। जब लाइट प्रेजेंट होती है ये ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। जब लाइट एब्सेंट होती है ये हेटरोट्रॉफिक बन जाते हैं, अपनी खुराक खाना शुरू कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ईट करना शुरू कर देते हैं। सो इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है मिक्सोट्रॉफिक, जिनमें दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यूग्लिना इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है, यूग्लिनॉइड्स की, जो आपने वर्ड सुना होगा। अब हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले हैबिटेट की तरफ चलते हैं, इनकी प्लेस ऑफ लिविंग क्या है, ये कहां पर पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये आपको फ्रेश वाटर में मोस्टली मिलेंगे, जैसे कि लेक्स हो गए, पॉन्ड्स वगैरह, झीलें, नदियां और तालाब, इनमें आपको मिलेंगे। और फ्रेश वाटर में कहां पर मिलेंगे, वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज इन अबंडेंट, जहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मिकदार में होता है। अब ये वहां पर क्यों मिलते हैं, क्योंकि जब अगर लाइट नहीं होती तो ये हेटरोट्रॉफिक हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर ईट करते हैं। सो ये ऐसे एरिया में आपको मिलेंगे जहां पर ऑर्गेनिक मैटर की अबंडेंस होती है, मिकदार ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक भी हैं जब लाइट अवेलेबल नहीं है। लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें, क्योंकि ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी हैं तो ये मूवमेंट भी करते होंगे डेफिनेटली, सो इनका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, फ्लैजेला। फ्लैजेला की वजह से ये मूव करते हैं, हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, ये अपनी नंबरिंग कैसे इंक्रीज करते हैं, सो दे डू रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बाइनरी फिशन, जिसमें एक सेल दो में डिवाइड होता है, अभी तक आपको अच्छे तरीके से आता होगा। कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स देखते हैं इनमें, कुछ सेपरेट फीचर्स क्या पाए जाते हैं इनमें। आपको पेलिकल भी नज़र आएगी, पेलिकल एक लेयर होती है, आप जानते होंगे सिलियट्स में हमने डिस्कस किया था। पेलिकल एक लेयर होती है जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जो इनको प्रोटेक्शन भी देती है और साथ में फ्लेक्सिबल शेप भी देती है। यानी इस लेयर की मदद से ये अपनी शेप चेंज करते हैं और दोबारा से शेप मेंटेन भी करते हैं। सो पैरामाइलोन ग्रेन्यूल भी आपको एक स्ट्रक्चर इनके अंदर देखने को मिलेगी। पैरामाइलोन इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं पैरामाइलोन। जैसे प्लांट कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, एनिमल कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसी तरीके से यूग्लिनॉइड्स कार्बोहाइड्रेट को पैरामाइलोन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो पैरामाइलोन जस्ट अ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, इनमें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, तो इन्हें पैरामाइलोन कहा जाता है। और जब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन्हें पैरामाइलोन ग्रेन्यूल कहा जाता है। इसके अलावा इनमें आपको आई स्पॉट देखने को मिलेगी एक स्ट्रक्चर, जिसे स्टिग्मा भी कहा जाता है। यहाँ पर देखें, ये सेंसिटिव टू लाइट स्ट्रक्चर होती है, ये लाइट को सेंस कर सकती है और यूग्लिनॉइड्स को मूव करवाने में हेल्पफुल होती है, यानी लाइट की तरफ मूव करवाने में हेल्पफुल होती है, ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकें, अपनी खुराक खुद बना सकें। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूलन में प्रेजेंट होता है डेफिनेटली, ये वाटर में पाए जाते हैं, सो वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक ऑर्गेनेल इनमें प्रेजेंट होता है। पायरोनाइड फिर इनमें आपको देखने को मिलेंगी एक स्ट्रक्चर्स होती हैं पायरोनाइड, माइक्रो कंपार्टमेंट होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें ये अपना फूड स्टोर करते हैं और वो फूड फिर बाहर निकलकर पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स की शक्ल में साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं, ये एक यूग्लिना की डायग्राम है। यूग्लिना मोस्टली इस शेप में प्रेजेंट होता है, बट ये शेप चेंज करते रहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेलिकल। सो सबसे पहले ये जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन,
और इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक और लेयर होती है जिसे पेलिकल कहा जाता है, जो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, विच इज़ अ फ्लेक्सिबल प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन दैट हेल्प टू चेंज एंड मेंटेन शेप। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने बात की कि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, फ्लैजेला, ठीक है। सो दो फ्लैजेला इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लैजेला जो है, एक फ्लैजेलम जो है, सिंगुलर फ्लैजेलम कहा जाता है, एक फ्लैजेलम बहुत लंबा सा होता है और ये इसको लोकोमोट करवाता है, मूवमेंट में हेल्प करवाता है, ठीक है। ये जो लंबी वाली फ्लैजेलम आपको नज़र आ रही है, ये हेल्प करती है लोकोमोशन में। इसके अलावा एक छोटी सी फ्लैजेलम भी प्रेजेंट होती है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक छोटी सी फ्लैजेलम है, स्मॉल फ्लैजेलम, और ये हेल्प करती है इनको इंजेस्ट करने में फूड, क्योंकि ये जब लाइट नहीं होती तो ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, फूड को खाते हैं। सो फूड को खाने में ये स्मॉल फ्लैजेलम ट्रैप करने में हेल्पफुल होती है, उसे इस तरीके से विरपूल बना के यहाँ गलट में ले आती है, जिसे साइटोस्टोम कहा जाता है, जो कि माउथ के जैसे एक्ट करता है। ये स्ट्रक्चर गलट लाइक स्ट्रक्चर क्या है, साइटोस्टोम, और ये माउथ के जैसे एक्ट करती है। इसमें फ्लैजेलम हेल्प करती है फूड को ट्रैप करवाने में, और यहाँ से ये फूड का मॉलिक्यूल जो है वेसिकल बनाकर बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, और फिर डाइजेशन होती है, एनर्जी जनरेट होती है। हो गया क्लियर। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और बाकी सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं वो मैंने फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमने बात की। इस तरीके से स्टाल स्ट्रक्चर होती है जो कि ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्पफुल होता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा हो गया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, वाटर बाहर जाता है फिर इसकी बॉडी से। इसके अलावा ये आपको ब्लैक कलर के ग्रेन्यूल से नज़र आ रहे हैं, जिन्हें पैरामाइलोन कहते हैं, और ये जस्ट अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विच स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। और इसके अलावा आई स्पॉट जो इंटीरियर एंड में जहाँ पर माउथ है, वहाँ जो साइटोस्टोम जिसे हम बोलते हैं, जो माउथ की जैसी स्ट्रक्चर है, उसके पास इंटीरियर पोर्शन में आई स्पॉट एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि स्टिग्मा और आई स्पॉट कहलाता है, और ये सेंस कर सकता है लाइट को। लाइट को सेंस करेगा तो इस यूग्लिना को मूव करवाएगा लाइट की तरफ, लाइट की तरफ यूग्लिना मूव करेगा तो लाइट को यूज़ करेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट लाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर होगी, सो ये अपनी न्यूट्रिशन जनरेट करेंगे। सो ये सिंपल सा लेक्चर था, होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।